हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द डे थ्री लेक्चर ऑफ RBWM वन लाइनर सीरीज। तो फ्रेंड्स, हमारा ये वन लाइनर सीरीज है, मैं डेली आपको 30 से 40 पॉइंट्स को क्लियर करवाता हूँ एक वन लाइनर सीरीज में, और उसके बेसिस पे हम लोग MCQ करते हैं। सो अपकमिंग RBWM एग्जामिनेशन के लिए वन लाइनर सीरीज काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो ऑलरेडी वी हैव कवर्ड द पार्ट वन एंड पार्ट टू ऑफ दिस वन लाइनर सीरीज। सो लेट्स बिगिन विद द नेक्स्ट पार्ट। ओके, सो लेट्स सी द फर्स्ट कंसेप्ट। दोस्तों, पहला कंसेप्ट है हमारा बैंक प्रॉफिट सोर्स। तो बैंक का जो प्रॉफिट सोर्स है वो क्या है? तो यहाँ दोस्तों बताया जा रहा है, लेट्स मेक इन अंडरस्टैंड, जो बैंक का प्राइमरी सोर्स होता है मनी मेकिंग का, वो सबसे पहला है कि जो लोन पे इंटरेस्ट चार्ज करती है, और दूसरा है तरीका कि जो सर्विस फी होती है, जो सर्विस वो ऑफर करती है बैंक, उस पर फी कलेक्ट करना, जैसे कि अकाउंट मेंटेनेंस फी। तो ये दो सोर्स है बैंक के प्रॉफिट का। और बैंक का मेजर एक्सपेंस क्या है? तो जो मेन कॉस्ट है बैंक का वो है लोगों को इंटरेस्ट देना, जिन लोगों ने पैसा बैंक में जमा किया है उन्हें इंटरेस्ट देना। तो ये मेजर एक्सपेंस है बैंक का। दोस्तों, बैंक और एसेट और लायबिलिटी की यदि हम बात करें, तो सबसे पहले बात कि एसेट में लोन आता है, जो पैसा बैंक ने लोगों को दिया है या जो इन्वेस्टमेंट है, जो सिक्योरिटीज़ है, सो दीज आर द एसेट। और लायबिलिटीज़ की यदि हम बात करें, तो लायबिलिटीज़ में दोस्तों डिपॉजिट्स आता है, कि जो पैसा द मनी यू हैव इन योर बैंक अकाउंट एंड द मनी दे हैव बोरोड, सो दिस कम्स अंडर लायबिलिटी। यदि हम रिटेल बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें, तो दोस्तों देखिए कंसेप्ट को समझिए कि बैंक जो डेली लोगों को सर्व करती है वो पैसा कैसे बनाती है, क्योंकि दोस्तों वो बहुत सारे कस्टमर बहुत सारे ट्रांजैक्शन करते हैं, जैसे कि डिपॉजिट, विड्रॉल, पेमेंट, तो उससे छोटे छोटे से अमाउंट आते हैं जो कि ऐड अप हो जाते हैं। कमर्शियल बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी कैसे आती है? तो बैंक जो कि बिग बिजनेस के साथ काम करती है वो पैसा कैसे कमाती है? तो लार्ज कंपनी जो है बहुत सारा पैसा मूव करते हैं, और बैंक उसके लिए फ़ी चार्ज करती है उन सभी ट्रांजेक्शन को हैंडल करने के लिए, जो कि सिग्निफिकेंट प्रॉफिट होता है। यदि हम रिटेल वर्सेज कॉरपोरेट बैंक लैंडिंग का प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें, तो दोस्तों देखिए बैंक जो है ज़्यादा पैसा कमाती है रिटेल फ्रॉम लैंडिंग टू रेगुलर पीपल, क्योंकि दोस्तों लोन छोटा होता है और बहुत सारे इंडिविजुअल में स्प्रेड आउट होता है। तो यदि वापस कुछ भी लोग वापस कर दें पैसा, तो ओवरऑल रिस्क जो होता है वो क्या होता है? कम होता है। इसीलिए रिटेल लैंडिंग ज़्यादा प्रॉफिटेबल होता है। दोस्तों, यदि हम बात करें रीज़न फॉर रिटेल लैंडिंग प्रॉफिटेबिलिटी, तो देखिए यदि मान लीजिए कि कोई छोटा लोन नहीं पे कर पाएगा, तो ये डैमेजिंग नहीं होता है के लिए लंबे लोन के कंपैरिजन में, बड़े लोन के कंपैरिजन में। जैसे मान लीजिए कि आपके पास बहुत छोटे छोटे लोन हैं, तो रिस्क आपका स्प्रेड हो गया। जैसे एक पर्सन जो है $1,000 के लोन में डिफॉल्ट हो गया, तो उतना इंपैक्टफुल नहीं है जितना कि $1,000,000 का लोन इंपैक्टफुल होगा। इसीलिए कहा गया है कि स्मॉल एवरेज लोन साइज रिड्यूसेस रिस्क। समझ में आया? अब हम लोग कुछ MCQs कर लेते हैं। पहला सवाल है कि बैंक के लिए प्राइमरी सोर्स ऑफ प्रॉफिट क्या है? तो मैंने आपको बताया कि जो प्राइमरी सोर्स ऑफ प्रॉफिट है बैंक के लिए वो है आपका इंटरेस्ट चार्जिंग। ऑप्शंस देख लेते हैं, इंटरेस्ट ऑन एसेट एंड सर्विस फी दूसरा ऑप्शन है। यस, करेक्ट आंसर, जो एसेट पे इंटरेस्ट है सर्विस फी है, यही प्राइमरी सोर्स है बैंक के लिए। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बैंक का प्राइमरी एक्सपेंस क्या है? तो बैंक का प्राइमरी एक्सपेंस है इंटरेस्ट पेड ऑन लायबिलिटी, यानी लायबिलिटीज पे जो इंटरेस्ट पे किया जाता है वो बैंक का प्राइमरी एक्सपेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेजर एसेट क्या होता है बैंक का? दोस्तों, मैंने आपको मेजर एसेट में बताया था लोन, एडवांस और सिक्योरिटीज़, और मेजर लायबिलिटी क्या होता है? डिपॉजिट और बोरोड फंड। तो बोरोड फंड और डिपॉजिट जो होता है वो मेजर लायबिलिटी है, और मेजर एसेट की बात करें तो जो लोन है, जो एडवांस है, जो सिक्योरिटीज़ है, दीज आर द मेजर एसेट फॉर बैंक। सो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट रिगार्डिंग द मेजर एसेट, लोन, एडवांस एंड सिक्योरिटीज़ आर द मेजर एसेट। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिटेल बैंकिंग का प्रॉफिटेबिलिटी को आप कैसे बढ़ा सकते हैं? तो रिटेल बैंकिंग को का प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाने का तरीका है कि इंडिविजुअल कस्टमर के द्वारा जो कि जिसका फ्रीक्वेंट ट्रांजैक्शन होता हो। तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कमर्शियल बैंक हाई प्रॉफिट क्यों जनरेट करती है? क्योंकि बैंक विद मेनी इंडिविजुअल कस्टमर, बैंक विद स्मॉल बिजनेसेस, बैंकिंग विद लार्ज ऑर्गेनाइजेशन विद हाई। यस, करेक्ट आंसर। देखिए कमर्शियल बैंक में क्या होता है कि बैंकिंग जो होता है वो लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के साथ होता है, इनके पास हाई ट्रांजेक्शन वैल्यूज है, हाई सर्विस कॉस्ट है। सो दैट्स वाई ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा लैंडिंग ज़्यादा प्रॉफिटेबल होता है रिस्क फैक्टर को कंसिडर करते हुए? ऑप्शन 1 है रिटेल लैंडिंग ड्यू टू स्मॉल लोन साइज एंड लो एसोसिएटेड रिस्क। ऑप्शन 2 है कॉर्पोरेट लैंडिंग ड्यू टू लार्ज लोन साइज एंड हाई एसोसिएटेड रिस्क। ऑप्शन 3 है बोथ हैव सिमिलर प्रॉफिटेबिलिटी। ऑप्शन डी है कि रिटेल लैंडिंग ड्यू टू हाई इंटरेस्ट रेट। तो जहाँ तक प्रॉफिटेबिलिटी की बात है, तो रिटेल लैंडिंग ज़्यादा प्रॉफिटेबल होता है, क्योंकि लोन का साइज जो होता है वो छोटा होता है, और रिस्क भी जो होता है वो भी कम होता है। सो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिटेल लैंडिंग ज़्यादा प्रॉफिटेबल क्यों होता है कॉर्पोरेट लैंडिंग से? तो दोस्तों, अभी मैंने आपको बताया था कि जो रिटेल लैंडिंग होता है इसमें स्मॉलर एवरेज लोन साइज होता है, जो कि रिस्क को क्या कर देता है? कम कर देता है। सो दैट्स वाई ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट आंसर, दैट स्मॉलर एवरेज लोन साइज रिड्यूसेज रिस्क।
ऑप्शन वन इज करेक्ट। दोस्तों वी हैव JIB कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स फॉर यू। तो इस कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स में आपको इस तरह का PDF मिल जाएगा, वीडियोज मिल जाएंगे, मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, साथ ही साथ दोस्तों डेली क्विज मिल जाएंगे। दोस्तों दिस इज अ मस्ट हैव कोर्स फॉर अपकमिंग JIB एग्जामिनेशन, RBWM एग्जामिनेशन। साथ ही साथ दोस्तों आपको 45% का डिस्काउंट दिया जा रहा है, आप अभी कूपन कोड को अप्लाई कीजिए। तो फ्रेंड्स एट द मिनिमल कॉस्ट ऑफ ₹300 यू विल गेट ऑल दिस बेनिफिट्स लाइक PDF, वीडियोज, मॉक टेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। सो डू इनरोल इन दिस पर्टिकुलर कोर्स। इफ यू वांट टू गेट लिंक चेक द डिस्क्रिप्शन सेक्शन चेक कीजिए, वहाँ पे आपको इसका लिंक मिल जाएगा और इस कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स में जाके आप इनरोल हो जाइए हमारे ऐप को इंस्टॉल करके। चलिए दोस्तों हम लोग बात करते हैं मास्लो हायरार्की ऑफ नीड्स की। क्या बताया जा रहा है दोस्तों कि मास्लो हायरार्की ऑफ नीड आपको बताता है ह्यूमन के मोटिवेशन को। एक तरह से समझिए कि सीढ़ी है जो कि बताता है कि जो कि लोग क्या चाहते हैं, ठीक है। तो दोस्तों मोटिवेशन हायरार्की की यदि हम बात करें तो ये पहला चीज़ पहली बार आएगा, तो आपका फोकस होता है कि आपको सबसे मोस्ट अर्जेंटली क्या चाहिए इससे पहले कि आप दूसरे चीज़ पे जाएं। ऑर्डर ऑफ नीड क्या होता है, तो दोस्तों आप टू डू लिस्ट की तरह समझिए इसको। ऑर्डर ऑफ लिस्ट मतलब क्या हुआ, टू डू लिस्ट। तो सबसे इंपॉर्टेंट टास्क के साथ आप स्टार्ट करेंगे और जो लेस इंपॉर्टेंट वन है उसको बाद में आप टैकल करेंगे। अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है कि आप जो जैसे वीडियो गेम होता है ना उसमें हाईएस्ट लेवल तक पहुँचना। तो समझिए कि आपके ड्रीम को अचीव करना और बेस्ट वर्जन होना आपका, ये होता है हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव। हायरार्की लेवल की बात करें तो समझिए कि एक टावर है ब्लॉक का, तो आप बिग से स्टार्ट किए यानी आपका बेस स्ट्रांग है जैसे कि फूड और शेल्टर, उससे पहले कि आप ऊपर जाते गए। तो दोस्तों नेक्स्ट कंसेप्ट है कि कस्टमर सर्विस एक्सपेक्टेशन को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। पहला है टेंजिबिलिटी, जिसे समझिए कि एक रेस्टोरेंट को आप जज कर रहे हैं, इसके फूड से नहीं जज कर रहे हैं लेकिन आप ये भी जज करें कितना साफ सफाई है, कितना ज़्यादा वेलकमिंग है, इसे कहते हैं टेंजिबिलिटी। रिलायबिलिटी का मतलब होता है मान लीजिए कि आप एक पिज्जा को ऑर्डर किए और उसी वक्त आ गया जैसे उसने कहा था, तो वो कहा जाता है रिलायबल सर्विस, ठीक है। उसने कहा था कि 10 मिनट में आएगा तो 10 मिनट में आ गया। रिस्पॉन्सिवनेस का मतलब होता है कि जब आप एक हेल्पलाइन को कॉल करते हैं और वो क्विकली आपको हेल्प करता है तो आपको वैल्यूएबल फील होता है, तो इसको हम लोग कहते हैं रिस्पॉन्सिवनेस। एश्योरेंस का मतलब होता है जब भी कोई कंपनी शो करती है कि वो उसे पता है कि वो क्या कर रही है और आप सेफ फील करते हैं, आपको लगता है कि आपका कोई ध्यान रख रहा है, जैसे कि रिलायबल बेबी सीटर, ये एक एश्योरेंस हो गया। एम्पैथी का क्या मतलब होता है, मान लीजिए कि आप एक दोस्त से बात कर रहे हैं जो कि आपके फीलिंग को आपके कंसर्न को सही तरीके से समझता है। तो जो अच्छे कस्टमर होते हैं ना, अच्छा कस्टमर सर्विस यही करता है कि आप वो केयर शो करना, आपके नीड्स को समझना। तो देखिए ये सब फैक्टर्स हैं जो कि कस्टमर सर्विस के एक्सपेक्टेशन को अफेक्ट करते हैं, टेंजिबिलिटी, रिलायबिलिटी, रिस्पॉन्सिवनेस, एश्योरेंस और एम्पैथी, याद रख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसको मैंने एक एग्जाम्पल से आपको समझा दिया। तो दोस्तों यही हमारे वन लाइनर कोर्स का खासियत है, मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ और फिर मैं आपको उस कंसेप्ट को क्लियर करता हूँ। आइए कुछ MCQs कर लेते हैं। पहला सवाल है कि मास्लो हायरार्की नीड्स क्या एक्सप्लेन करता है, तो ये ह्यूमन मोटिवेशन को एक्सप्लेन करता है ऑन फुलफिलिंग डिफरेंट लेवल ऑफ नीड्स। तो मास्लो हायरार्की कैसे ऑपरेट होता है, तो वो फुलफिलिंग नीड को डिस्क्राइब करता है हायरार्कियल ऑर्डर में। दोस्तों आगे हम लोग इन सभी चीज़ को स्किप करते हैं। बेसिस क्या होता है मास्लो हायरार्की का, तो याद रखिएगा फिजियोलॉजिकल नीड जो है वो हमारा बेस होता है मास्लो हायरार्की का। कौन सा फैक्टर जो है फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ सर्विस से रिलेटेड है, तो दोस्तों टेंजिबिलिटी जो है वो हमारा फिजिकल एस्पेक्ट से रिलेटेड है, ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा फैक्टर कॉम्पिटेंस, कर्टसी, क्रेडिबिलिटी, सिक्योरिटी से रिलेटेड है, तो एश्योरेंस हमारा कॉम्पिटेंस कर्टसी से रिलेटेड है। कौन सा फैक्टर इन्वॉल्व होता है कि आप कस्टमर के पर्सपेक्टिव को समझ रहे हैं और कंसिडर कर रहे हैं, तो ये होता है हमारा एम्पैथी, राइट, एम्पैथी होता है। नेक्स्ट है हमारा दोस्तों हमारे पास JIB का PDF कोर्स है। यदि आपको MCQs चाहिए, प्रीवियस 5 अटेम्प्ट का क्वेश्चन पेपर चाहिए और यदि आपको क्वेश्चन बैंक चाहिए तो आप हमारे JIB की RBWM PDF कोर्स को एक्सेस कर सकते हैं एट मिनिमम कॉस्ट ऑफ ₹150 ओनली। सो इफ़ यू वांट टू एक्सेस दिस PDF कोर्स, व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू इंस्टॉल अवर ऐप एंड सर्च फॉर RBWM PDF कोर्स एंड यू विल गेट दिस कोर्स इंस्टेंटली ऑन अवर ऐप। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, प्रोडक्ट के डेफिनेशन को देखते हैं। प्रोडक्ट का डेफिनेशन कैसे डिफाइन किया गया है, प्रोडक्ट ऐसा कुछ होता है जो कि लोगों को हैप्पी बनाता है या उन्हें हेल्प करता है जो उसे यूज़ करना चाहते हैं, जैसे टॉय हो, फ़ोन हो या सर्विस हो, जैसे कि राइट टू स्कूल। दोस्तों प्रोडक्ट का बहुत सारा फेजेस होता है, जैसे छोटा बच्चा कैसे चाइल्ड में ग्रो होता है और तब एक एडल्ट बनता है, वैसे प्रोडक्ट जो है स्टार्ट होता है, फिर ग्रो होता है, फिर पॉपुलर होता है, फिर स्लो डाउन होता है और फिर चला जाता है। तो इसमें सबसे पहला स्टेज आता है इंट्रोडक्शन स्टेज। तो बिगिनिंग में क्या होता है कि बहुत सारे लोग ना जानते हैं ना प्रोडक्ट को खरीदते हैं, जैसे मान लीजिए कि नया वीडियो गेम रिलीज हुआ तो कुछ ही लोग उसको पहले प्ले करते हैं। फिर ग्रोथ स्टेज में क्या होता है कि ये प्रोडक्ट अपने पीक पे होता है, तो मतलब सभी लोगों ने सुन लिया इसके बारे में और बहुत लोग इसे यूज कर रहे हैं, जैसे कि आप लोगों के पास स्मार्टफोन आ गया। फिर दोस्तों नेक्स्ट है हमारा सैचुरेशन स्टेज।
ठीक है, आई थिंक आई मिस्ड इट, ओके। द थर्ड स्टेज इज सैचुरेशन स्टेट। तो देखिए, उससे पहले मैच्योरिटी आता है। मैच्योरिटी मतलब प्रोडक्ट पीक पे, मैंने बता दिया। सैचुरेशन स्टेज में क्या होता है कि सभी लोग जो है इस प्रोडक्ट, एवरीवन जो जो प्रोडक्ट को चाहते हैं उनके पास ये प्रोडक्ट आ जाता है, और अब जो है नए लोग इसमें इंटरेस्टेड है नहीं। तो समझिए कि सभी के पास, जिनके पास बाइक है उनके पास बाइक, जिनको बाइक चाहिए था उनको बाइक मिल गया, और अब नया बाइक नहीं खरीदने हैं। तो ये हो गया हमारा सैचुरेशन स्टेट। फिर आता है डिक्लाइन स्टेट। अब जो है लोग अपना इंटरेस्ट लूज करना स्टार्ट कर दिया इस प्रोडक्ट में, और सेल्स क्या हो जाता है, डाउन हो जाता है। समझिए कि एक पॉपुलर वीडियो गेम था, अब उसको खेला नहीं जा रहा है। बात करें रिवाइटलाइजेशन की, तो प्रोडक्ट को अलाइव रखने के लिए कंपनी जो है कुछ चेंजेस करते हैं ताकि इसको फिर से एक्साइटिंग बना सकें। तो आप ओल्ड वीडियो गेम को अपडेट करेंगे ताकि ये बेटर हो और अपीलिंग हो प्लेयर के लिए। दोस्तों, यूनिवर्सल प्रोडक्ट की यदि हम बात करें तो कुछ प्रोडक्ट हमेशा चाहिए लोगों को, जैसे कि फूड, वाटर या बेसिक फ़ोन। ठीक है, प्रोडक्ट क्लासिफिकेशन की बात करें तो प्रोडक्ट को कैटेगरीज में ग्रुप किया जाता है, किस बेसिस पे कि क्या वो करते हैं। जैसे कि मनी सेविंग अकाउंट है तो डिपॉजिट प्रोडक्ट, लोन है तो एसेट और रिटेल क्रेडिट प्रोडक्ट, या दूसरा चीज़ जो बैंक ऑफर करती हो। आइए दोस्तों कुछ एमसीक्यूज कर लेते हैं। प्रोडक्ट को कैसे डिफाइन करते हैं, तो प्रोडक्ट का डेफिनेशन होता है जो भी चीज़ आपको सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करे और यूज जो है और डिजायर्ड रिटर्न कस्टमर को प्रोवाइड करे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा स्टेज आता है ग्रोथ स्टेज के बाद, तो ग्रोथ स्टेज के बाद आता है मैच्योरिटी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंट्रोडक्शन स्टेज को क्या करेक्टराइज करता है, पीक सेल्स एंड वाइड कस्टमर बेस, इंक्रीज सेल एंड ब्रेक इवन। देखिए, इंट्रोडक्शन स्टेज में क्या होता है कि हमारा सेल्स वॉल्यूम कम होता है और इनसफिशिएंट रेवेन्यू होता है कॉस्ट को कवर करने के लिए। कौन से स्टेज में प्रोडक्ट जो है प्रॉफिट जनरेट करना स्टार्ट कर देता है, तो दोस्तों ग्रोथ स्टेज में प्रोडक्ट जो है प्रॉफिट करना स्टार्ट कर देता है। मेन फोकस क्या होता है मैच्योरिटी स्टेज में, तो मैच्योरिटी मतलब कि वो पीक सेल पे आ गया और वो कस्टमर बेस भी वाइडर है। सैचुरेशन स्टेज में क्या स्टैग्नेशन क्यों होता है, क्योंकि अट्रैक्टिवनेस घटता है, कस्टमर इंडिफरेंस। यस करेक्ट, कस्टमर इंडिफरेंस के कारण जो स्टैग्नेशन होता है वो हमारे सैचुरेशन स्टेज में होता है। सेल्स डिक्लाइन स्टेज में क्यों ड्रॉप होता है, क्योंकि अट्रैक्टिव नहीं, अब वो अट्रैक्टिव रहा नहीं, राइट, इसीलिए सेल्स कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैसे, क्या पर्पज़ है रिवाइटलाइजेशन का, ताकि प्रोडक्ट डिक्लाइन को आप प्रिवेंट कर सकें, और आप कैसे प्रिवेंट करते हैं, तो उसमें कुछ वैल्यू एडिशन कर देते हैं या उसे फाइन ट्यून कर देते हैं। यूनिवर्सल प्रोडक्ट क्या कैटर करता है, तो कुछ कोर प्रोडक्ट होता है जो कि सभी सेगमेंट को कैटर करता है, इसे हम लोग यूनिवर्सल प्रोडक्ट कहते हैं। दोस्तों, डिपॉजिट लायबिलिटी प्रोडक्ट किस कैटेगरी के अंदर आता है, सो इट कम्स अंडर डिपॉजिट लायबिलिटी प्रोडक्ट। अब हम लोग बात करते हैं प्रोडक्ट पॉलिसी एंड मैनेजमेंट की। दोस्तों, बताया जा रहा है कि प्रोडक्ट को मैक बनाना, मैनेज करना एक बहुत बड़ा जॉब है कंपनी के लिए। समझिए कि एक शिप का कप्तान है और वो डिसाइड कर रहा है कि कहाँ जाएगा, कैसे उसे स्टीयर करना है, ये होता है प्रोडक्ट पॉलिसी। तो दोस्तों, बताया जा रहा है कि एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, जैसे कि आइडियाज़ आना, फिगर आउट करना कि क्या लोग चाह रहे हैं, प्रोडक्ट बनाना, टेस्ट करना, डिसाइड करना कि कितना इसका कॉस्ट होना चाहिए, और तब सभी को बेचना। ये सभी दोस्तों कंपोनेंट होते हैं प्रोडक्ट की पॉलिसी का। प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस की बात करें तो नए चीज़ को क्रिएट करना, नए चीज़ को लॉन्च करना लोगों के लिए, ताकि चीज़ अच्छा हो जाए, बेटर हो जाए, इसे कहते हैं हम लोग प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस। आइडिया जनरेशन का मतलब होता है ब्रेन स्टॉर्मिंग या ड्रीम ड्रीमिंग कि कितना कूल थिंग आप बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप एक फ़ोन के बारे में सोच रहे हैं जिसमें हेलोग्राफिक स्क्रीन हो, ये कहलाता है हमारा आइडिया जनरेशन। आइडिया जनरेशन का इंपॉर्टेंस क्या है कि आइडिया के साथ आना एक सुपर इंपॉर्टेंट है किसी बिजनेस के लिए, ठीक है, ताकि वो ग्रो हो सके या सक्सेसफुल हो सके। तो जैसे आप सेफ होता है, उसे वैराइटीज ऑफ इंग्रेडिएंट चाहिए डिलीशियस मील बनाने के लिए, ये हमारा है आइडिया जनरेशन। शॉर्ट एनालिसिस क्या होता है, तो आप मान लीजिए एक लिस्ट बना रहे हैं अपने स्ट्रेंथ का, जिस चीज़ में आप अच्छे हैं, वीकनेस का, जिस चीज़ में आप अच्छे नहीं हैं, अपॉर्चुनिटी का, चांस है कि आप अच्छा कर सकते हैं, थ्रेट का, जिस चीज़ को आपके लिए हार्ड हो जाता है, इसे शॉर्ट कहते हैं, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। इससे क्या होता है कि बिजनेस बेटर तरीके से प्लान कर सकती है। पेस्टल एनालिसिस क्या होता है, याद रखिएगा, एक समझिए कि एक बड़ा सा पजल है फैक्टर्स का जो कि बिजनेस को अफेक्ट करता है, जैसे कुछ पॉलिटिकल हो गया, इकोनॉमिक हो गया, सोशल हो गया, टेक्नोलॉजिकल हो गया, लीगल हो गया, एनवायरमेंटल हो गया, पॉलिटिकल, फुल फॉर्म याद रखिएगा, पूछ लिया जाता है। आपसे पूछा जाएगा कि प्रोडक्ट आर्किटेक्चर के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, तो जब भी आप कोई प्रोडक्ट बनाते हैं ना, तो सबसे बेसिक चीज़ से स्टार्ट करते हैं, जैसे कार का इंजन है तो वो कोर प्रोडक्ट हो गया, फिर आप उसमें कुछ कूल स्टफ ऐड करते हैं, जैसे सनरूफ हो गया, ये एक एडिशनल फीचर हो गया, ठीक है, उसको और बेटर बनाते हैं, जैसे कंपोजिट डाल देते हैं, ये वैल्यू एडिशन हो गया, और सब कभी कभी आप दोस्तों इमेजिन करते हैं फ्यूचर के लिए, जैसे जो कार फ्लाई कर सके, ये फ्यूचरिस्टिक हो गया। तो यही बताया गया, कोर प्रोडक्ट में क्या आ गया, कार का इंजन, एडिशनल फीचर में क्या आ गया, कोई जैसे सनरूफ आपने डाल दिया, वैल्यू एडिशन में क्या आ गया, आपने कॉम्फो सीट डाल दिया, और कुछ आपने एंटिसिपेटरी फ्यूचर डाल दिया, जिसको हम लोग जैसे कार जो कि उड़ सके, ठीक है। तो यही हमारा प्रोडक्ट के आर्किटेक्चर का कंपोनेंट होता है। तो आप देख सकते हैं, एवरीथिंग आई एम एक्सप्लेनिंग यूजिंग एग्जांपल सो दैट द कंसेप्ट बिकम इंग्रेडिएंट इन योर माइंड, एंड व्हेनेवर सच क्वेश्चन आर आस्क्ड यू कैन इजीली आंसर एम। सो इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन सो दैट दिस वीडियो कैन रीच टू मोर एंड मोर जेवी एस्पिरेंट एंड दे कैन ऑल्सो फील बेनिफिटेड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर कंटेंट।
So now let's continue our MCQs based on the concept that we have discussed just now. What is the primary responsibility in the product management? So देखिए product management में primary responsibility होता है product policy. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कि प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस में कौन सा स्टेप है. डिस्ट्रीब्यूशन एनालिसिस, कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट, सप्लाई चेन ऑप्टिमाइजेशन, आइडिया जनरेशन. देखिए आइडिया जनरेशन, उसे फिल्टर करना, उसे स्क्रीन करना, कॉन्सेप्ट डेवलप करना. सो दीज आर ऑल द स्टेप्स इन प्रोडक्ट जनरेशन. द नेक्स्ट इज प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस के अंदर क्या होता है. सो द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज प्रोडक्ट जनरेशन डेवलपमेंट प्रोसेस के अंदर क्या होता है. तो आप लॉन्च करते हैं नए प्रोडक्ट को क्रिएट करते हैं या एग्जिस्टिंग वन को रिलॉन्च करते हैं. दोस्तों आइडिया जनरेशन के अंदर क्या आता है. आइडिया जनरेशन के अंदर आप पोटेंशियल आइडियाज़ को जनरेट करते हैं नए या इम्प्रूव प्रोडक्ट के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आइडिया जनरेशन क्यों बिजनेस के लिए वाइटल है. तो इससे आपका प्रोडक्शन का कॉस्ट घटता है, इससे आप एम्प्लॉय के परफॉर्मेंस को मैनेज कर सकते हैं. ये बिजनेस के लिए वाइटल है क्योंकि ये डाइवर्स टेक्निक को यूज़ करता है आइडिया को जनरेट करने के लिए. बिल्कुल सही जवाब. दोस्तों स्वॉट का फुल फॉर्म बता दीजिए, स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट. पेस्टल का फुल फॉर्म क्या होता है. पेस्टल का फुल फॉर्म होता है पॉलिटिकल इकोनॉमिकल सोशल टेक्नोलॉजिकल लीगल एंड एनवायरमेंटल.